ये हम लोग का 8 मिनट हो चुका है। तो ये हाथ में कोई भी अच्छा कॉटन वाला कपड़ा को इस तरह से लपेट लेंगे और अब इस कुकर को चेक करेंगे। और यहाँ पे फ्लेम लो कर देंगे ताकि प्रेशर कम हो तो ढक्कन खुल पाए। ये देखिए इडली काफ़ी फूला हुआ बना है पूरी की तरह, लेकिन फिर भी इसको एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए चेक करने के लिए ये स्पून लिए हैं और इसको इसके पीछे वाले हिस्सा को इसमें डाल के फिर निकालेंगे। देखिए ये साफ़ निकला है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो ये मेरा इडली तैयार हो गया है, इसको बाहर कर लेंगे। बाहर कर लेंगे और इसमें देखिए पानी का अमाउंट काफ़ी कम हो गया है, फ्लेम लो पे कर दिए हैं तो थोड़ा पानी भी बढ़ा लेंगे सेकेंड राउंड के लिए। इसमें पानी कितना रखना है और पानी डाल के गर्म होने के लिए इसको इस तरह से ढक दिए, फ्लेम लो है तब तक इधर काम आगे बढ़ा लेंगे। ये देखिए मेरा इडली है, तो अब इसको इस तरह से इसका ऊपर वाला बटन हटा लिए और ये कपड़ा उठा उठा के ही इसको इस तरह से, ये देखिए साफ निकला है। इसमें ज़्यादा डला गया था तो देखिए उसका जगह नहीं बन पाया तो ये इसमें लग गया है, बाकी सब ठीक है। तो अभी बस जल्दी से एक दूसरे पे रख लेंगे, बाद में इसको निकालने का तरीका देखेंगे क्योंकि अभी हम लोग का आँच चल रहा है। तो और देखिए ये मेरा बैटर है, ये इतना थिकनेस है इसका, देखिए काफ़ी स्लो मोशन में ये अपना शेप बदल रहा है और इस तरह से गिर रहा है। ये देखिए लास्ट में पाइप जैसा भी आ रहा है इसका, पाइप जैसा इस तरह का गिरना चाहिए। जब गिरता है तो देखिए बहुत स्लो स्लोली अपना साइज बदलता है, तो ऐसा ही चाहिए। इसमें थोड़ा सा इसको स्पंजे करने के लिए इनो डालेंगे सेंटर में, और इनो डाल दिए और इस पे 1 चम्मच के करीब पानी डाल दिए हैं और पानी डाल के इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए फेंट लेंगे। ये देखिए काफ़ी हल्का हो गया है, पानी 1 चम्मच से ज़्यादा यूज नहीं करना है और ये काफ़ी फूल भी जाता है, हल्का हो जाता है, डायरेक्शन एक ही रखना है। अब फटाफट इधर काम कर लेंगे। और ये देखिए ये जो 4 रुमाल बचा हुआ था, 4 अभी यूज कर लिए इसलिए 2 सेट रेडी किए थे, तो अब इसको फटाफट बिछा लेंगे। देखिए बिछा लिए और इस पर डाल लेंगे, 1-1 चम्मच ही डालेंगे, 1 चम्मच 1.5 चम्मच 2 चम्मच इस तरह से डाल सकते हैं। फिर ये दोबारा रखें और फिर इधर भींगा हुआ कपड़ा था इस तरह से डाल लिए और फिर इधर ये स्टैंड रखे, कपड़ा रख दिए। ये मेरा इतना में बैटर खत्म हो गया है, तो ये जो बचा हुआ स्टैंड है वो नहीं लगाएंगे, बस इसी को फटाफट
फटाफट पैक करके बटन लगा दिए और इसको दो बार करके ये हाथ में इस तरह से कपड़ा लपेट दिए ताकि भाप ना लगे। और इसको पकड़ के ये देखिए इधर मेरा रेडी हो चुका है और भाप भी निकल रहा है। तो ये ढक्कन हटाए दूसरा हाथ से, ये इसको रख दिए। और पानी जो है वो स्टैंड इतना ही पानी यूज करना है कि ये स्टैंड का इतना रहे, इससे ज़्यादा लेवल में नहीं रहे, ताकि ज़्यादा रहने से इसका प्लेट डूब सकता है। तो इसका हाफ या तिहाई चौथाई हिस्सा ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो अंदाज करके इतना ही पानी लेना है कुकर में। और फ्लेम अब हाई कर दिए हैं, इसको लगा दिए और 7 से 8 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे इसको। ये मेरा सेकेंड राउंड है, तो ये उधर पकड़ा है। अब इसको निकालने का तरीका देखेंगे। तो इस इडली को ये कपड़ा वाले को सूखने नहीं देना है, नहीं तो फिर ये टूटते हुए निकलता है। ये देखिए, फिर अब आराम से धीरे धीरे करके इसको कपड़ा से अलग कर लेंगे। ये देखिए मेरा दोनों तरफ ही अच्छे से फुला फुला बना है, ये देखिए पूरी की तरह है। ये काफ़ी स्पंजी बना है। और अब इसको आराम से बचते हुए, इसको ठंडा नहीं होने देना है क्योंकि गर्म है कपड़ा, ठंडा होने पे कपड़ा सूख जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। कपड़ा सूखा नहीं है अभी, देखिए भींगा हुआ है, गर्म ही है। इसी में धीरे धीरे करके आराम आराम से जितना बर्दाश्त हो पाए इसका टेम्परेचर कम करते हुए निकाल लेना है। और फिर अगर मेरा थर्ड फोर्थ राउंड भी रहता तो इसको धोते बस एक बार भिंगा देते हैं, इतना ये सबको साफ़ करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इडली का ही है। और फिर उसको भिंगा के फिर स्टैंड में रख के फिर उसको यूज कर लेते, बस डालने से पहले एक बार इसका भिंगा होना ज़रूरी रहता है। तो ये मेरा कपड़ा है, बाद में फिर इसको धोने का तरीका देखेंगे। और ये मेरा रेडी इडली है, काफ़ी स्पंजी है ये देखिए।